एक संत जी थे, उनके सामने पाप खड़ा हो गया। महाराज मैं पाप हूं। संत जी ने कहा किसका पाप है? बोले तुम्हारा, तुमने जो पाप किया है इस जन्म में और पिछले जन्म में, मैं वो पाप हूं, अब मैं तुम्हारे ऊपर सवार होने आया हूं। संत जी बोले कितने दिन के लिए आया है? बोले 12 साल, 12 साल तक मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा, तुम्हें कष्ट दूंगा, तुमने जो पाप किया है भोगना है। संत जी बोले सुन, तू यहीं बैठ, मैं भगवान से बात करता हूं। संत जी ने भगवान से कहा प्रभु सुना आपने पाप आया है? भगवान ने कहा आया है। 12 साल का बोल रहा है? भगवान ने कहा हां 12 साल का है। क्या करूं? भगवान ने कहा देख लो, 12 साल का है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया में लेटना पड़ा, तुम्हें भी भोगना। संत जी बोले वाह, यदि हमारे पापों को हमें भोगना पड़ा तो तुम काय बात के भगवान, जो तुम्हारी हमने भक्ति करी है, माला जपा है, ध्यान किया है, उसका क्या? हमारे लिए कुछ कंसेशन करो, छूट। तुम्हारे भक्त हैं ना, हम तो तुम्हारे लिए जिंदा हैं, हमारा तुम्हारे सिवा कौन है? हम भगवान तुम्हारे सिवा किसी को जानते हैं? तुम्हारी शरण में रहते हैं। और सुनो, हमें पाप भोगने में दिक्कत नहीं है। 12 साल क्या, 15 साल के लोग आए, हम भोगने को तैयार हैं, लेकिन जब वो आएगा तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, और जब रोगी होगा तो तुम्हारी सेवा ना हो पाएगी। कौन तुम्हें भोग लगाएगा? कौन तुम्हारी सेवा करेगा? तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, 12 साल का पाप है ना, मैं तुम्हें 12 महीने के लिए कर देता हूं। बोले 12 महीने नहीं, और कम करो। अच्छा 12 दिन के लिए कर देता हूं। अरे 12 दिन आपकी सेवा कैसे होगी 12 दिन आपकी? और कम करो। अच्छा 12 घंटे कर देता हूं। 12 घंटे बहुत है। फिर अच्छा एक काम कर, 12 मिनट के लिए कर देता हूं। हां ये ठीक। भगवान आप देखो, आप लोगों को ये तो पता है कि आप भगवान के लिए क्या करते हो, माला जपते हो, नाम जपते हो, धाम जाते हो, पुण्य करते हो। आपको अपना तो पता है कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो, पर भगवान आपके लिए कितना कुछ करते हैं वो आपको पता नहीं है। आपके जीवन में कितना सारा दुख था, कितना सारा कष्ट था, क्या आज लोगों के जीवन में दुख नहीं है? लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो सालों का कष्ट, 12 वर्षों का कष्ट भगवान ने 12 मिनट में तब्दील कर दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम बंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मैं इस काबिल नहीं था कि वृंदावन धाम में आकर के आप सबकी सेवा करूं, ये मेरे पुण्यों का बल नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का फल नहीं है, ये प्रत्यक्ष मेरे बिहारी जी की कृपा है। मैं नहीं था काबिल, मैं इस योग्य नहीं था, ये कृपा है। आप वृंदावन आए हैं, ये आपका प्रारब्ध नहीं है, ये आपका भाग्य नहीं है। तुम्हारा भाग्य वृंदावन ला सके, भाग्य में इतनी ताकत कहाँ है, ये तो बिहारी जी की कृपा है कि आप वृंदावन में हैं। हर चीज भाग्य से नहीं होती, कुछ चीजें कृपा से होती हैं। बात समझ में आ रही है? सुभद्रा को कहा भगवान ने कि बहन तू कहे तो तेरे बेटे को मैं जीवित कर दूं, अभिमन्यु को, पर एक बात बता, यदि मैं तेरे बेटे को जीवित करूंगा तो आने वाली बहनें कहेंगी कि अपने बहन के बेटे को जीवित कर दिया का मैं तुम्हारी नहीं हूं,
बहन एक बात बताऊं, ये जो अभिमन्यु है ना, इस अभिमन्यु का जन्म ही इस काम के लिए हुआ था कि महाभारत में इसकी इतनी भूमिका थी, तो जितनी भूमिका थी उसने उतना काम किया और काम करके चला गया। जिसका जितना कार्यकाल है, मैं आप क्या करने आए हैं इस संसार में, आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। आप ये मानसिकता बनाओ कि जो आप कर रहे हैं ये आप नहीं, ये भगवान आपको इस कार्य के लिए ही भेजे हैं। आज अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, भगवान ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, भगवान ने ये डिजाइन किया है, प्लान किया है इस काम को। मैं अपना काम करूंगा और जिस दिन मेरा कार्य पूरा होगा उस दिन भगवान वापस कहेंगे चलो हो गया, अभिमन्यु को बुलाया वापस चलो आ जाओ, ऐसे मुझे भी बुलाएंगे चलो हो गया काम। हमारी और आपकी कोई भूमिका नहीं है, हमारे और आपके पीछे भगवान कार्य कर रहे हैं, वो शक्ति कार्य कर रही है। हमें ऐसा लगता है हम कार्य कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हमें सुख मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है हमें दुख मिल रहा है, नहीं। सुख दुख ईश्वर की व्यवस्था है, सुख दुख ईश्वर की जोर से क्या है। अच्छा बताओ, यदि दुख ना होता तो क्या सुख का कोई मूल्य होता? नहीं होता ना। ये गुलाब का फूल है और यह एक गेंदे का फूल है, लगभग दोनों पुष्पों में कौन सा फूल महंगा है जरा आप बताओ, बाजार में किसकी कीमत ज्यादा है, क्यों? क्या आप उत्तर दे पाएंगे क्यों? दोनों ही पुष्प हैं पर कीमत गुलाब की क्यों है? क्योंकि ये जो गेंदा होता है ना, ये कांटों के बीच में नहीं होता, और ये जो होता है कांटों के बीच में होता है, कांटों के बीच में रहने से इसकी कीमत ज्यादा है। जो व्यक्ति दुख से गुजरता है, दुख से स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। यदि आपके जीवन में दुख नहीं है तो सुख का कोई मूल्य ही ना होगा। सुख का कुछ मूल्य है, इसलिए ईश्वर ने सुख के मूल्य को लोग जाने, इसलिए दुख बनाया है। सोचिए, कल्पना करो कि दुख होता ही ना, तो फिर सुख की वैल्यू क्या थी? थी? रात ना होती तो दिन की कीमत क्या थी? पिता ना होता तो मां की कीमत क्या थी? आकाश ना होता तो पाताल की कीमत क्या थी? भाई ना होता तो बहन की कीमत क्या थी? दुश्मन ना होते तो दोस्त की कीमत क्या थी? क्यों भाई? दुश्मन है तब तो दोस्त की कीमत पता चल रही है कि भाई ये दोस्त है। दुश्मन ना होते तो दोस्त की कीमत क्या होती? ये सारा संसार दो चीजों से मिलकर बना है, अच्छाई और बुराई, और ये सदा रहेगी। अच्छाई और बुराई सदा रही है, सदा है और सदा। राम बाद में आए, रावण पहले आया, बुराई पहले आई, अच्छाई बाद में आई। पहले बुराई का जन्म होता है, पहले जहर निकलता है, अमृत हमेशा अंत में निकला करता है। इसलिए आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ आज आपका समय बुरा चल रहा है, घबराइए मत, धैर्य रखिए। आज बुरा है कल अच्छा होगा, क्यों घबराते हैं?
ईश्वर पर भरोसा रखिए, तुम्हारे सूत्रधार भगवान है, भरोसा भगवान पर रखिए, भगवान के लिए रोइए, भगवान से प्यार कीजिए, भगवान के सिवा किसी पर भरोसा ना कीजिए, भगवान को अपना मानिए। कृष्ण ही हमारे शुभ चिंतक हैं। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं और भगवान को रो रो करके पुकारती हैं। उद्धव जी आए, कहा घन श्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं, प्रेम ही सार है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सार कौन है? कृष्ण भगवान ही सार है।